और ना जान से हमें प्रॉब्लम है, ना हमारे यहाँ कीर्तन भजन प्रवचन से उनको प्रॉब्लम है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए कोई समस्या ही नहीं। ना अजान से मंदिर को कोई प्रॉब्लम आया और ना बदन मंदिर में जो कीर्तन होता है उससे कभी अजान को प्रॉब्लम आया। एक वक्त ऐसा भी होता है कि जब अजान होती है कीर्तन बंद हो जाता है। नहीं, हम लोगों के यहाँ कोई समस्या नहीं है, न उनके अजान से हमें समस्या है, न हमारे यहाँ कीर्तन भजन प्रवचन चलता है उससे उनको समस्या है। हम लोग सरकार का जो नियम है कि सुबह 10 बजे से लेकर 10 बजे रात तक हम लोग लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, वो भी इतने स्वर में कि जो मंदिर के लोग हैं वो लोग अपना बढ़िया से सुन सकें। 10 बजे रात के बाद कभी यदि कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग SDO से अनुमति लेते हैं, कानून का पालन करते हैं, और न अजान से हमें प्रॉब्लम है, न हमारे यहाँ कीर्तन भजन प्रवचन से उनको प्रॉब्लम है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए कोई समस्या ही नहीं। पचास सालों तक का तो हिस्ट्री मेरे पास मेरे नॉलेज में इस इलाके में कभी आज तक कुछ नहीं हुआ। ना अजान से मंदिर को कोई प्रॉब्लम आया और ना बदन मंदिर में जो कीर्तन होता है उससे कभी अजान को प्रॉब्लम आया। एक वक्त ऐसा भी होता है कि जब अजान होती है कीर्तन बंद हो जाता है, और कीर्तन का तो अपना दिन भर चलता है। अजान का 5 वक्त का समय है और 5-5 मिनट का समय है मुझे, और वो रामनवमी में आपने देखा होगा मीडिया में भी आया और पूरे सोशल मीडिया पे छाया कि रामनवमी जब अजान हुई तो वो जो है वो मंदिर का जो लाउड स्पीकर वो बंद हो गया। ये होता रिस्पेक्ट, जब आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे तो कहीं कन्फ्लिक्शन नहीं होना।